हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश है और मैं आप लोगों को आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसके हिस्ट्री में जाने से पहले कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे नॉलेज के तौर पे कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक में चार्ज की जो चार्ज का यूज़ है या चार्ज कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये सब बात तो ये करने से पहले, आगे चैप्टर्स में सब आने से पहले यदि अभी ही बात की जाए, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से ही ऐसा लग रहा है, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से आया है। ग्रीक लैंग्वेज लैटिन वर्ड है, एक तरह से इसको कहें कि इलेक्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर चार्ज। तो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज इन रेस्ट। एवरीथिंग मीन्स इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द चार्ज इन रेस्ट, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, फोर्स से रिलेटेड हो, फील्ड से रिलेटेड हो, पोटेंशियल से रिलेटेड हो, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब टर्म्स आएंगे, हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, इसका इसका मतलब है चार्ज, स्टैंड्स फॉर चार्ज, स्टैटिक मतलब है रेस्ट। इसका मतलब साफ है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इन रेस्ट पढ़ेंगे। ये लगभग है कि कुछ पार्ट में हम लोग देखेंगे डायनामिज्म भी आएगा, डायनामिक स्टेट भी आएगा, लेकिन उसमें भी हम लोग इसी से रिलेट करके ही चीज़ें देखेंगे। हम लोग इसमें अभी इग्नोर करेंगे कि मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या और भी चीज़ें क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, एनर्जी कैसे रेडिएट होता है, बाकी सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अभी फिलहाल मीनिंग बता रहा हूँ। अब बात हुई कि चलिए, तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे चीज़ें डिफाइन करेंगे तो देखेंगे, लेकिन चार्ज क्या है, रेस्ट तो बाद में आएगा, तो चार्ज क्या है। चार्ज तो चार्ज की अपनी हिस्ट्री है। यदि हम लोग जो आज देख रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो, जहाँ तक हमारी रीच है, जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने में इस फील्ड के लिए भी हजारों साल लगे हैं, है ना। तो हजारों साल का मतलब है कि इसका अपना इतिहास 2-3 हज़ार का तो है ही, 2-3 हज़ार साल का। तो अच्छा, इस तरह की बातें तो हर फील्ड के लिए है, चाहे वो सोशल लेवल पे देखें, चाहे किसी और फिजिक्स के ब्रांच के लिए देखें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए देखें। जो इवोल्यूशन है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एंडलेस जर्नी है, ये चलती रहेगी, है ना। तो फिर से इस पॉइंट पे आते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो, उसमें चार्ज का क्या इम्पोर्टेंस है, चार्ज क्या है, और इसी चार्ज की पूरी बात होगी। आगे का कैपेसिटर आएगा, करेंट आएगा, फिर पूरा मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, है ना, और सारा चार्ज के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं। अब रही बात कि आखिर ये चार्ज कहाँ से, चार्ज क्या होता है, ये कब एग्जिस्टेंस में इसकी बात हुई, है ना, और इसके डिस्कवरी की बात यदि की जाए तो क्या क्या उसका हिस्ट्री है ना। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, जब शुरुआत में एक इमेजिन करिए, बिफोर क्रिस्ट जो कैलेंडर ईयर होता है, अंग्रेजी का जो कैलेंडर होता है, उससे पहले 500-600 साल पहले, 500-600 साल पहले, मतलब 500-600 BC जाए, तो थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें ऑन मतलब रिटेन डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि श्रुति फॉर्म में, मतलब सुन सुन के चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, लोग बताते रहे कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या 500-600 साल पहले कैलेंडर ईयर से, बिफोर क्रिस्ट, क्या तभी शुरू हुआ, क्या उससे पहले लोग इस तरह की बातें नहीं हुई कि
क्या लोग ऑब्जर्व नहीं किए? साइंस में तो यही है कि चीज़ें होती रही हैं, लोगों लोग क्यूरियस थे, और ह्यूमन स्पीसीज़ जैसा कि मैं अक्सर अपनी बात में बोलता रहता हूँ कि मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज़ है, वो तभी रही होगी। हाँ कि हालांकि अब धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए किसी ने कोई काम किया तो उसको सक्सेसर के रूप में कोई और लिया होगा तो आगे बढ़ाया होगा, तो हर एक का अपना इसी तरह का इतिहास है। तो यदि मैं कहूँ कि ये कैसे शुरू हुआ, तो बातचीत में यही आता है कि ये रोमन सिविलाइजेशन में या फिर किसी भी सिविलाइजेशन में इस तरह की बातें होती रहीं कि ये बिजली चमकती है, जो समुंदर में जो टारपीडो है, फिश है, चाहे किसी सी ऐसे रगड़ उगड़ देने से और कुछ चीज़ें खींचने लगती हैं, सब चीज़ें, ये सब क्या है, बहुत सारे फेनोमेना थे जिनको लोग समझ नहीं पाते थे, तो इसे दैवीय प्रकोप मानते थे। बिजली चमकने को लोग भाग जाते थे कि खुदा है, चाहे भगवान है, चाहे गॉड है, गुस्सा आ गया, ये कुछ करेगा, इस टाइप का है ना। लेकिन वो भी चार्ज से रिलेटेड है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली बात होती है, क्लाउड की बात होती है, वो तो बाद में पता चला, नहीं तो लोग तो ऐसे ही करते थे, ऐसे ही मानते थे। अच्छा, फिर रही बात उस समय के टारपीडो की बात करने की, चाहे टारपीडो एक फिश होती है जो कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, चाहे एम्बर क्लॉथ क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ हो गया, ऐसे रब करते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं ऐसे प्लास्टिक और ऐसे करते हैं, तो ये जो स्ट्रॉज होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको खींच लेता है ये। तो लोगों को ये नहीं समझ आता कि हो क्या रहा है। तो एक नाम आता है थेल्स का, जो 500-600 BC, मतलब 500-600 साल पहले कैलेंडर ईयर से, जो अंग्रेजी का कैलेंडर है, उससे 500-600 साल पहले उन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन के नाम पे ये कहा था कि इनानिमेट, ये जो पार्टिकल्स हैं, जो निर्जीव हैं, ये पहले ऐसे पार्टिकल ऑब्जर्व्ड हैं अब फिलहाल जिसमें सोल है, आत्मा है। मतलब आप समझिए कि उनके पास इन्फॉर्मेशन चार्ज की नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें खींच ली जा रही हैं ऐसे करके, और ये जो बाल ऐसे चाहे ये खींच लेते हैं पार्टिकल्स को, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें इनानिमेट, मतलब जो जिनमें नॉन लिविंग बींग, जो निर्जीव बोलते हैं, उनको खींच ले, उनके अंदर सोल है, मतलब वो उन्हें अंदर आत्मा है, वो खिंचा जा रही हैं, मूव कर सकती हैं एक फेवरेबल कंडीशन में। चलिए, तो हालांकि ये रिटेन डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि वो उन्होंने कहा था, उन्होंने देखा था, लोगों से बातचीत की थी, और स्टेटमेंट इस तरह की चलती रही, प्रोपगेट करती रही कि उन्होंने कहा था कि सोल, और लोग मानते भी रहते थे। धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ी और बहुत सारी इस फहरिस्त में बहुत सारे लोग आए। अब हो सकता है कि जिनका नाम हम लोग साइंस में चीज़ों को जानते हैं, हो सकते हैं उससे पहले कहीं लोकल लेवल पे लोग कुछ लोग और किए होंगे, लेकिन उनका नाम नहीं है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में जो चलते रहे लगातार, इन पे लोग पैनी निगाह रखे, ऑब्जर्व करते रहे, बातचीत होती रही, तो आप देखेंगे कि इस तरह की बातचीत, जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की बात है ना, उसमें से गिलबर्ट आते हैं जो चार्ज की बात करते हैं, है ना, फिर उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं जो चार्ज के दो टाइप की बात करते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव दो टाइप होते हैं, और ये रेफरेंस बस लेते हैं, अपोजिट दो कैरेक्टर हैं, इसका इससे मतलब नहीं है कि ये रियली में कोई चीज़ पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, असाइन करते हैं। यदि वो असाइन कर दिए होते कि नहीं भाई इस तरह की चीज़ें ऐसा है, ये पॉजिटिव, बाद में भी उनके कही हुई बातों को, जो एटम के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं जो पार्टिकल, बाद में जो रदरफोर्ड और चैडविक थॉम्सन ये सब लोग बात किए, जो यदि हम लोग कहें कि उनके उनके जो बाहर में जो रिवॉल्व हो रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियस निगेटिवली चार्ज है, तो हम लोग आज वही पढ़ रहे होते। तो हम लोग किस पे नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन पे नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉन चार्ज के तौर पर लिया गया था स्टैटिक, मतलब रेस्ट पे, तो इसको चार्ज की तरह देखा जाए, जिसकी वैल्यू हम लोग बाद में ई की तरह लिखने लगे, जो वैल्यू ऑफ चार्ज है। तो यदि मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इसमें जो चार्ज की बात आ रही है,
उसके उसको डील करेंगे। और चार्ज का अपना एक छोटा सा इतिहास है कि किस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बाकी बाकी जो चीज़ें इससे रिलेटेड है वो तो फिर हम लोग के कोर्स ही में आ जाता है कि जो सोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज का सोर्स है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया, तो ये तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इसमें भी बताया जा सकता है, किताबों में आपको मिल भी जाएगा। बल्कि उसके उसके बजाय इस तरह के इतिहास, किस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बजाय ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग सीधा बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, यदि आपका आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द चार्ज इन रेस्ट। ये है। अब रही बात हम लोग चार्ज की बात करें, चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज, सो चार्ज को यदि डिफाइन किया जाए तो ये कहा जाएगा कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हेन इट इज केप्ट इन दैट। है, तो कहने का मतलब यह है कि चार्ज एक मैटर का वह फिजिकल प्रॉपर्टी है। यदि मैं लिखूं तो ऐसे कहूंगा कि due to which it experiences force when it is kept in मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब मैं एक चार्ज को डिफाइन करूं तो कहूंगा कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज मैटर की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ही मैटर की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ही वो मैटर फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, उसे कंबाइन कर दिया गया क्योंकि ये सेपरेट नहीं होते, ये कंप्लीमेंट्री हैं, एक साथ होते हैं। तो ये इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो इसकी जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा जा सकता था क्योंकि पर मैक्सवेल ने आके कंबाइन कर दिया। यदि मैं थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा आपको बताऊँ तो ये कहूँगा कि बहुत पहले फंडामेंटल जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करने वाले फोर्सेस हैं वो पांच हुआ करते थे। वो होते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड। पांच, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड। पांच फंडामेंटल फोर्सेस हैं पूरे यूनिवर्स को गवर्न करने वाले। मतलब जितना भी आप चीज़ देख रहे होंगे, ये हमको एज ए इंटीग्रेटेड बॉडी चाहिए, ये हिल नहीं रहा, ये कोई भी चीज़, जितना भी आप जैसे बैठे हुए कोई भी चेयर को चेयर, ऐसे इस चीज़ को बनाने वाला एज ए इंटीग्रेटेड फॉर्म, मतलब कलेक्टिवली, मतलब ये दीजिए क्यों नहीं खिंचा रहा है, ये क्यों नहीं खिंचा रहा है, हर एक के पीछे, इन सब के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बनाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि
जो पांच फंडामेंटल फोर्सेस हैं है ना, उनको पहले तो अब चार हो गए हैं क्योंकि मैक्सवेल इसको यूनिफाई कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दिए कि ये दो नहीं होते हैं, एक ही है ये फंडामेंटल फोर्स, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अब कितने हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स। ठीक है, अब रही बात, अब इनको देख लेते हैं कि ये वाला क्यों पूरी दुनिया को ब्यूटीफुल बनाए हुए है। जो भी चीज़ें आप देखते हैं सब सबकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्यों है, मेजॉरिटी में क्यों यही एग्जिस्ट करता है, जो देखने में हमारे सामने जो रियल लाइफ में डेली लाइफ में हर मोमेंट पे देखने को मिलता है यही वाला हर जगह क्यों है वो मैं बता देता हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है जो यूनिवर्सल स्केल पे सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए, हेवनली यूनिवर्सल बॉडीज़ के लिए, बड़े बड़े मास के लिए होल्ड करता है, मतलब स्टार स्टार के बीच में, गैलेक्सी गैलेक्सी के बीच में, स्टार मून सैटेलाइट प्लैनेट के बीच में, स्टार प्लैनेट के बीच में, प्लैनेट सैटेलाइट के बीच में, प्लैनेट बड़ा सा मास अर्थ और मेरे बीच में कोई एक मास बड़ा होना चाहिए, दो ये नहीं कि ये इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पर इतना वीक है कि मतलब पास में नहीं आ रहे हैं ना। तो मैं आपको बताया कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब चीज़ों को, ये जो ये है, ये जो मेरा फोर्स है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये जो डस्टर है ये इसको ऐसे खींच रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो मैं लगाया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो मैं स्टैंड किया हूँ, यहाँ पे फोर्स लग रहा है मेरे पैर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बॉयंट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, करेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वाटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फोर्सेज, ब्लड फ्लो और एंड ऑल, जितना भी आप देख रहे होंगे दुनिया में सब कुछ सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सरप्राइजिंगली ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी जब जाना तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि जितना भी आप देख रहे हो, पर्दे को पर्दा की तरह टंगा हुआ जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो फंडामेंटल फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग यू कैन सी बाई नेकेड आई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो जो आप देख रहे होंगे इसको कहीं भी आपको न समझ में आए कोई भी चीज़ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप कह दीजिएगा और सही हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। हाँ, तो ये क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वही मैं अभी सिलसिला बता रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता क्योंकि इफेक्टिव कहाँ पे होगा, ये वीकेस्ट फोर्स है, ये 10^-11 का ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट चलता है इसमें, तो ये तो हो नहीं रहा होगा, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं। अच्छा, ये दोनों कैसे खारिज हो गए, देखो वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स केवल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स टाइप का, वीक और स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव हैं, ये वीक और स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर, मतलब यदि कहूँ कि वीक फोर्स रेडियोएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इंटैक्ट रखे हुए है, मतलब स्टेबल और हाईली स्टेबल बनाए हुए है, वो स्ट्रांग फोर्स। इसका मतलब वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर हुए, तो वो इसको रोक नहीं रहे होंगे, वो तो न्यूक्लियस के अंदर की बात है, वहीं पे इफेक्टिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े बड़े गैलेक्सी प्लैनेट स्टार सैटेलाइट्स है ना, इनके लिए इफेक्टिव है। तो ये तीनों खारिज हो गए, अब यही बचे, इसका मतलब यही है जो बाकी सब बनाए हुए हैं, एक ये पॉइंट है। अच्छा, आइंस्टाइन अपने टेबल पे इस पे काम करते हुए इस दुनिया से गुजर गए, चल बसे यूनिफाइंग थ्योरी पे, जो मिलेनियम के बेस्ट ब्रेन माने जाते हैं, इंटेलिजेंट मैन जीनियस, तो उनका लास्ट में ही वर्क हो रहा था यूनिफाइंग थ्योरी। तो पांच में ये तो यूनिफाई हो चुका था, लेकिन ये जिस दिन ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो इनको हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर फोर्स कहें, फिर ये कंबाइन हो जाएंगे तो हो सकता है कि इसको ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नो न्यूक्लियर फोर्स कहें,
लेकिन ये अभी दूर दूर तक बहुत कम समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल कैसे कंबाइंड होगा। इसका मतलब पांच दो कंबाइंड हुए तो चार बने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से मैक्सवेल ने दो को कंबाइन कर दिया, वैसे ही हो सकता है ये दोनों कंबाइन हो तो तीन होंगे, तीन होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इसको न्यूक्लियर फोर्स मान नाम दे देते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी कंबाइन है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि ये कंबाइंड हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नो न्यूक्लियर फोर्स हो जाएंगे, तब दो हो जाएंगे। दुनिया में कहा जाए कि दो ही फंडामेंटल फोर्सेज हैं, और जब ये दोनों भी कंबाइंड हो जाएंगे, हालांकि अभी ग्रेविटेशनल फोर्स से अभी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, दूर दूर तक तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है कि ये रिलेट भी हो पाएंगे, पता नहीं यूनिफाइंग थ्योरी कभी एग्जिस्टेंस में आएगी कि नहीं, लेकिन यदि कंबाइन हो गई जिस पे आइंस्टाइन काम कर रहे थे, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट इस एस्ट्रोनॉमी को लेके, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स को लेके चल रहा है, वो बहुत बड़े बर्निंग इशू आप कह सकते हैं। तो यदि ये कंबाइन हो गया तो हो सकता है कि यूनिफाइंग फोर्स नाम हो जाए और यूनिफाइंग थ्योरी एग्जिस्टेंस में आ जाए, और उस दिन हम लोग पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सुपर पावर प्लैनेट बन जाएंगे। और जो एलियन के कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, तो हम लोग अब हम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यूनिफाइंग थ्योरी के बाद दुनिया के जितने भी डिजास्ट्रस इफेक्ट आते हैं, कैलेमिटीज आती हैं, कोई जैसे कोई कॉमेट आता है, लड़ने आता है, तो हम लोग डर जाते हैं, पता नहीं लड़ेगा, बहुत सारे देश बर्बाद हो जाएंगे, सन इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो सन के हीट को कम किया जा सकता है, मून के लाइट को बढ़ाया जा सकता है, जो डिजास्ट्रस इफेक्ट जो समुंदर में वो जो प्लेट्स स्लाइड कर जाते हैं और सुनामी आती है, इन सब से बचा जा सकता है, पॉल्यूशन के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कहने का सेंस है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना, मतलब हमारे हाथ में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तब जब यूनिफाइंग थ्योरी आ जाएगी तब। तो अभी फिलहाल तो मैं कहूँ कि कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो इसका आंसर है कि दुनिया में अभी चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, पांच नहीं हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने इसको कंबाइन कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स। एनीवे, उन्हीं में से इन चार फंडामेंटल फोर्सेज में से एक की बात होने जा रही है। यदि इनको भी सेपरेट यदि देखा जाए अपने कोर्स के लिए, तो हम लोग अभी डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, हालांकि कंप्लीमेंट्री हैं, मतलब है ना, ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू द चार्ज। तो यदि अब मैं कहूं कि चार्ज तो ठीक है, ये तो मैं एक इंट्रोडक्शन के नाम पे बताया कि क्यों हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। अब रही बात चार्ज के प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब बात ये हो गई कि अच्छा, सोर्स ऑफ चार्ज तो मैं आपको बता दिया हूँ, सोर्स ऑफ चार्ज केवल जो अब देख रहे होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में, कहीं पे भी, जिसको यूज़ करके हम लोग कुछ भी इतने सारे एक्सपेरिमेंट या डिवाइसेस बनाए या बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो सोर्स ऑफ चार्ज केवल और केवल जो बेसिक है हर जगह ऑलमोस्ट दो है, जो चार्ज कैरियर है दो है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है ना। और जो शुरू से कह दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड है पार्टिकल और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई निगेटिविटी की कोई चीज़ है, निगेटिव टाइप की कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है, बस अपोजिट चार्ज के नाम पर असाइन कर दिया गया कि अपोजिट कैरेक्टर हैं, लाइक अनलाइक, तो इसे लाइक अनलाइक कहें, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन को लाइक चार्जेस कहें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लाइक चार्जेस कहें, ये भी लाइक ही है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अनलाइक चार्जेस कहें, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं आया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी लाइक ही कर रहे थे जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन को लाइक कर रहे थे, तो शुरू से ही असाइन कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो चल रहा है। जैसा कि मैं बताया कि इस तरह का कैरेक्टर सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था कि इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं,
एनीवे तो इसका चार्ज का जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टीज तो ये है कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, केवल दो ही टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। टू टाइप्स पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये ऑब्वियस ही बात है, मतलब लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस दो चार्ज रहेंगे तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे दूर दूर, और यदि प्लस माइनस दो चार्ज रहे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे, पास आएंगे। अच्छा, इनके अलावा भी चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिशन पर एडिटिव चार्जेस होते हैं, स्कैलर क्वांटिटी है, इनवेरियंस है ना। ये सारे जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये रेस्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करते हैं, हैं तो एक करेक्टर है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि चार्ज मूव करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, एक्सलेटेड चार्ज है ना। तो बहुत सारे करेक्टर हैं, लेकिन जो बेसिक हम लोगों को इस चीज में जानना है, तो यदि मैं कहूँ कि तीसरा क्या है, तीसरा कहूँगा कि भाई ऐसा है कि क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब, क्वांटाइजेशन मतलब किसी भी चीज का फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है या कोई पर्टिकुलर वैल्यू है उसके फ्रैक्शन में चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो चाहे कुछ भी हो उसे फिर क्वांटाइजेशन। फिलहाल यहाँ पे तो चार्ज है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एनीथिंग। क्वांटाइज फॉर्म का मतलब होता है, क्वांटाइज मतलब पर्टिकुलर वैल्यू विच फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यदि मैं कहूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि क्यू बराबर एन ई, जहाँ पे ई की वैल्यू है इंटीग्रल, एन की वैल्यू है प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, है ना, प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना, वन टू थ्री इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। और रही बात ई की, इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको बता रहा था कि क्यू बराबर एन ई, वेयर एन इंटीजर है ना, बाकी यदि प्लस माइनस अलग से जोड़ना है तो बात अलग है, नहीं तो इसको आप प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, है ना। फिर से यहाँ पे माइनस की बात का सेंस यही है कि नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। यदि मैं यहीं पे नेगेटिव के लिए ऐसे लिख देता प्लस माइनस एन ई, तो फिर यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता, और तब मैं आपको ये कह रहा होता कि भाई एन को वन टू थ्री फोर एंड सो वन, ठीक है। ये है बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम की बात इसलिए करते हैं
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन की बात है, ये इतना छोटा चार्ज है, इतना कम चार्ज है कि प्रैक्टिकली एक दो चार्ज कुछ लिमिटेड नंबर का कोई वैल्यू, कोई मतलब नहीं होता जब तक एक ह्यूज अमाउंट 10^20, 10^30, 10^22, 23 टाइप का यदि नंबर्स ना होते मीनिंगलेस होता है। इसीलिए कूलाम की बात करते हैं। और पर ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यही वो क्वांटाइजेशन रूल है कि जिससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, एक ये पॉइंट है ना। तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना। यदि मैं कहूँ कि आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नहीं करता है। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारे पार्टिकल अपीयर होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, सैकड़ों पार्टिकल्स हैं मॉडर्न फिजिक्स में जो मोमेंटली क्रिएट होते हैं, जिसमें से e/3 प्लस माइनस e/3, e/2 इस तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, 2e/3 पता नहीं क्या क्या है ना। तो वो सारी चीज़ें हम बात नहीं कर रहे हैं। हम स्टेबल चार्ज जो जिनको यूज़ करके हम लोग करेंट की बात करेंगे, और जितनी भी चीज़ें दुनिया में सब हो रही हैं आउटसाइड नॉट इनसाइड न्यूक्लियस, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है एक अच्छा, ये एक वैल्यू है। अब ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन पे, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई होता है और प्रोटॉन पे प्लस ई होता है। तो ई को इलेक्ट्रॉन की तरह ना देखा जाए बल्कि ई को एक अमाउंट की तरह देखा जाए, जैसा कि मैं शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरुआत में ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए स्टैंड किया था, है ना, ई जो सिंबल है। बाद में इलेक्ट्रॉन को निगेटिव कर दिया गया और प्रोटॉन को पॉजिटिव कर दिया गया, तो अब हो गया तो हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ ये ख्याल रखना है, और दूसरा यदि कहीं पे चेक करना है ना कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इसी इक्वेशन से हम लोग क्यू बराबर एन ई से चेक करेंगे। मतलब यदि एन बराबर क्यू बाई ई करने पे, क्यू बाई ई करने पे यदि होल नंबर आता है तो कहेंगे चार्ज एग्जिस्ट करता है, यदि होल नंबर नहीं आता है तो कहेंगे कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और यदि मैं आगे बढ़ूं कि इस पे तो न्यूमेरिकल भी किया जा सकता है ना। तो आगे की बात करता हूँ, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, यदि फोर्थ की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर से ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, जैसे क्वांटाइजेशन है वैसे कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चीज़ें कंजर्व है, मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल वैल्यू है, वो बदलेगा नहीं, न कम होगा न ज़्यादा होगा, है ना। ये है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज मौजूद है, जितना है, वो न घट सकता है न बढ़ सकता है, एज अ होल न घट सकता है न बढ़ सकता है, वो उतना ही रहेगा एज होल। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बदल सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन टोटल अमाउंट नेट नहीं बदलेगा। इसी तरह की बातें एनर्जी के कंजर्वेशन की होती है, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की होती है, मोमेंटम के कंजर्वेशन की होती है, किसी भी बहुत सारी चीज़ों की कंजर्वेशन की बात होती है। पता नहीं, धर्म वाले नंबर ऑफ सोल की भी बात करते हैं कि कंजर्वड हैं, कांस्टेंट है, वो इस फॉर्म में उस फॉर्म में जाता है, उस फॉर्म में उस फॉर्म में जाता है। हालांकि मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कंजर्वेशन की यदि बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसका सिंपली ये मतलब है कि चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यदि मैं लिख दूं तो इसको लिख भी सकता हूँ कि ऐसे, नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब रही बात कि इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब किसी भी चीज़ का आइसोलेशन का मतलब, आइसोलेटेड का मतलब होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बाहर से कोई चीज़ ना अंदर आ सकती है ना अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है, बस जितना है उसी में जो कुछ अंदर में हो, पर बाहर ना कुछ जाए ना बाहर से कुछ आए, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो
तो उसका जो नेट चार्ज होगा, चाहे जीरो हो, चाहे प्लस चार्ज हो, चाहे माइनस चार्ज हो, जितना हो वो बदलने वाला नहीं है, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है कि क्यू नेट इनिशियल बराबर क्यू नेट फाइनल ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो इसको मैं मिटा देता हूँ, देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें 100 प्रोटॉन है और 60 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि 100 प्रोटॉन हैं है ना, चार्ज की बात करें, 100 प्रोटॉन हैं और 60 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 100 प्रोटॉन मतलब 100 e पॉजिटिव चार्ज और 60 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 60 नेगेटिव, 60 e नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हुआ, q नेट बराबर हो गया 100 e पॉजिटिव प्लस माइनस 60 e नेगेटिव, तो ये हो गया 40 e, इतना नेट चार्ज है ना। तो टोटल इस पे नेट चार्ज है 40 e। अच्छा, यदि मैं कहूँ कि इस सिस्टम में कुछ इस तरह का ब्रेकिंग हुआ न्यूक्लियस में, हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन इस सिस्टम के अंदर, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज में, तो निश्चित है कि एक इलेक्ट्रॉन भी फॉर्म होगा। मतलब रिएक्शन में देखिए, यदि ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए कि यदि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन में, यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ किसी सिस्टम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इसमें कोई भी सिस्टम सब एटम से ही बना होता है, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इमेजिन करिए कि इसके अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसमें से 20 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, 20 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए, तो आपको उस सिस्टम में आपको निश्चित है 20 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं तो ये चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ये संभव नहीं है कि एक न्यूट्रल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाए और उतना ही अमाउंट निगेटिव न बने, ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो यदि मैं कहूँ कि यदि न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसमें है ही नहीं चार्ज न्यूट्रॉन का, तो यदि 20 प्रोटॉन बना तो 20 इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या 120 और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 80 है 80। तो फिर से यदि क्यू नेट निकालोगे आप तो आपको 40 e ही मिलेगा, क्लियर। जैसे लिख लेते हैं फिर से क्यू नेट देखते हैं, 120 प्रोटॉन प्लस माइनस 80 इलेक्ट्रॉन, फिर से आपको 40 e मिलेगा। ये इनिशियल इसे कह देते हैं, ऐसे फाइनल कह देते हैं, या फिर थोड़ा उल्टा भी कर लेते हैं, कह देते हैं कि ऐसा है कि 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन मिल गए न्यूक्लियस के अंदर या किसी एनी हाउ इस सिस्टम के अंदर मिल गए और मिल के प्रोटॉन बन गए। ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है इस तरह की बातें। तो आप बताइए 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन मिल के न्यूट्रल पार्टिकल बना गए, 50 न्यूट्रॉन बना दिए, तो बचे हुए प्रोटॉन की संख्या है 50 और बचे हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। तो यदि फिर से देखा जाएगा कि 50 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, नेट देखेंगे तब भी आपको 40 इलेक्ट्रॉन 40 40 ई पॉजिटिव चार्ज मिलेगा नेट। तो ये हुआ, इसी तरह की बात होती है कि न चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, न चार्ज डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज केवल
चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, मतलब यदि मैं एनर्जी की तरह इसको भी स्टेटमेंट दूँ, चार्ज ऑफ एनी सिस्टम या चार्ज ऑफ यूनिवर्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस कैन बी वेरीड बट नॉट एज अ होल। तो किसी सिस्टम का नेट चार्ज नहीं बदल सकता। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज बदल सकते हैं, ये है एक बात, ये है। तो ये रहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी सिस्टम का टोटल चार्ज नहीं बदल सकता। अब बात आती है पांचवें पॉइंट की, रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस। रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस जैसे 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 मास में स्पीड के अनुसार उसका मास बदलता है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब में जाने पे मास बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कोई पार्टिकल मूव करने लगे तो इनफाइनाइट मास हो जाता है। मतलब रिलेटिविस्टिक थ्योरी फॉर मास जैसा होता है वैसा चार्ज के लिए होल्ड नहीं करता। इसका मतलब ये है, रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस मतलब जो रिलेटिविटी थ्योरी है, जो जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना पे मास और चीज़ें बदलने लगती हैं, वैसे चार्ज नहीं बदलता, ये कैरेक्टर है इसका। इसका मतलब ये है कि यदि मैं कहूँ कि क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट रेस्ट बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये नहीं होता है ना, नॉट इक्वल टू है, इस तरह की बातें नहीं होती। जैसे एम बराबर एम नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है ना, ये वाला होता है। तो ये मास की तरह नहीं होता, ये रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस है चार्ज का अपना, है ना। यदि मैं ये समझ में कि किस तरीके से मास के लिए स्पीड पे डिपेंडेंट मास होता है, मतलब रेस्ट मास एम नॉट है तो मास का स्पीड बढ़ने लगता है, तो एनर्जी देने पे वो मास में कन्वर्ट होता है और बढ़ता रहता है। स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा मास हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबली यदि उसका स्पीड हो जाए, और यदि किसी भी पार्टिकल का स्पीड यदि लाइट के स्पीड के बराबर हो जाएगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह की बातें चार्ज में नहीं होती, जितना जितना चार्ज रहेगा वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए चाहे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, पर उसका चार्ज नहीं बदलेगा। अब अंतिम यदि मैं कहूँ कि कैरेक्टरिस्टिक जो छठे की बात करें, तो ये कहेंगे कि भाई ये एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। एडिटिव मतलब क्यू नेट की बात करें तो क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, ऐसे ये सिंपल सी बात है। ये चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वो सिंपल सा एडिशन एल्जेब्रिक सिंपल एल्जेब्रा से ये ऐड होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, साइन के साथ ऐड होता है। मतलब किसी सिस्टम पे यदि 10, अभी जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 100 किसी सिस्टम में 100 प्रोटॉन है और 60 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 100 प्रोटॉन प्लस जोड़ेंगे 60 इलेक्ट्रॉन माइनस जोड़ेंगे, जितना आएगा उसे क्यू नेट कहेंगे, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। और यदि इसी तरह की कुछ और भी बातें कर लें, तो ऐसे कहें कि चार्ज इन रेस्ट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस एंड मूविंग चार्ज क्रिएट्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे तो लिखने के लिए दो चार चीज़ें दो चार प्रॉपर्टीज और भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे ही, डील करेंगे ही, तो क्यों अभी हम लोग इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाएं। तो ये रहा इन चार्ज चार्ज के बारे में कि किस तरह से चार्ज बिहेव करता है हमारे लाइफ में, किस तरीके से इनके यूजेस हैं, क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और किस तरीके से हम लोग इनको सीख पाएंगे, कितना इफेक्टिव है, कितने पावरफुल चार्ज होते हैं, बिना मतलब उनका कुछ हुए कितना हमारे लिए फायदेमंद है, तो हम लोग देख ही रहे हैं अपने डेली लाइफ में, हर मोमेंट पे देख रहे हैं। मेरा वीडियो भी आपके पास पहुंचेगा तो इन्हीं का रीज़न, यही रीज़न है। यदि रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो वो भी इन्हीं सब की देन है। ये लाइट जो दिख रही है, जिनके जिस लाइट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी की देन है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर में
जितनी भी प्रोसेसेस जो हो रहे हैं मेरे बॉडी के अंदर, सब इन्हीं की देन है, चार्जेस की देन है। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सोडियम पोटेशियम जो आयंस होते हैं, बैलेंसिंग की बात करते हैं, जो हम लोग बैलेंस रहते हैं, गिरते नहीं हैं, तो इन्हीं की देन है। जो ईयर ड्रम और ये सब बैलेंसिंग की बात होती है, तो कितना यूज़फुल है और कितना बड़ा रोल प्ले करता है चार्ज, आप इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब यदि चार्ज ही है जो हमें ज़िंदा रखा हुआ है, चार्ज ही है जो इन ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाया हुआ है, और जिनके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात होती है, तो आप ज़रा इस पर सोचिएगा कितना मज़ेदार है। तो यदि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दे दूँ आपको, तो आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, उसको फिर अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे। तो मैं आपको दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप करिए। आप इसको घर पे कैलकुलेट करिएगा। आपको कैलकुलेट ये करना है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल? पहला 1 मिली कूलम, दूसरा 4.2 कूलम, तीसरा 0.628 कूलम, चौथा 6 माइक्रो कूलम, पांचवा 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, 10⁻³० कूलम, 2.867 × 10⁻¹⁹ कूलम, 48.23 नैनो कूलम। तो इनको आप लोग चेक करिएगा, क्या ये जो चार्जेस हैं इनमें से रियल लाइफ में जो हम लोग ज़िंदगी जीते हैं लैब में चाहे जो भी ऐसे, तो इन सब चार्जेज में से कौन सा संभव है और कौन सा संभव नहीं है। थोड़ा सोचने में अजीब सा लग रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन है, तो हिंट भी दे देता हूँ, ये क्वांटाइजेशन के अनुसार है। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ही पॉसिबल है, मतलब ई के मल्टीपल में ही पॉसिबल है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग देखना है क्या ई के मल्टीपल में ये सब है कि नहीं, यदि है तो ठीक है पॉसिबल है, यदि फ्रैक्शन आया तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इसको चेक करिएगा, और एक अगले क्लास में हम फिर से मिलते हैं और आपको बताएंगे कि ये कैसे ये इसको करेंगे क्वेश्चन, कैसे सोचेंगे। आज तो मैं आपको बताया कि किस तरीके इंट्रोडक्शन था आज की, चार्ज क्या होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि